अध्याय 9 देख रहे हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज, कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान एक जीवंत दस्तावेज यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, इसके सवाल और जवाब देखेंगे। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत। संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ था, तब से आज 2020 70 साल का समय गुजर चुका है। हर चीज बदल गई है, संविधान को भी बदलना समय की मांग है। 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं, इसीलिए हम इस पे जाएंगे। परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। परिस्थितिवश सिचुएशन चेंज हो रही है, जैसे परिस्थितियां बदलेंगी संविधान में संशोधन आवश्यक हो जाता है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं, सही और गलत बताना है आपको इसमें। तो राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। बिल्कुल सही है, अगर राष्ट्रपति साहब के पास संविधान संशोधन पहुंच गया, राष्ट्रपति साहब इसको वापस संसद में नहीं भेज सकते। सही कहा गया है। अगला, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। बिल्कुल सही, शुरुआत होती है लोकसभा से, लोकसभा इसे पास कर देती है। कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की जरूरत होती है, यानी दोनों अलग अलग पारित करेंगे इसे विशेष बहुमत से। उसके बाद और कुछ प्रावधान है, जैसे जब हम जहां स्टेट्स की बातें आ जाती हैं, स्टेट्स के लिस्ट की बातें आ जाती हैं, हस्तांतरण की बातें आ जाती हैं सब्जेक्ट की, तब विधानसभा भी आ जाएगी, एमएलएस भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल उन लोगों के पास है जिनको हमने इलेक्ट किया है। न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती। बिल्कुल सही है, परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या द्वारा वह संविधान को काफी हद तक बदल सकती है। संविधान कई तरीके से चेंज हुआ है, या तो संसद ने चेंज किया है, या जो जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने इतने सालों में अलग अलग डिसीजन दिए हैं, फैसले दिए हैं, उसके हिसाब से भी चीजें चेंज हुई है। लेकिन न्यायपालिका प्रस्ताव ला नहीं सकती, ये केवल संसद से शुरू हो सकता है। संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल गलत है। संसद कुछ खंडों में कर सकती है। अगर हम संसद को लोकसभा कह रहे हैं तो लोकसभा कुछ प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें दोनों की जरूरत होती है, दोनों हाउसेस में अलग अलग मेजोरिटी होनी चाहिए। और कुछ ऐसे संशोधन हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें अगर अमेंडमेंट करना है, अगर उनमें मॉडिफिकेशन करना है, तो फिर आपको राज्यों के पास भी जाना पड़ेगा। 28 राज्य हैं, कम से कम 14 से ऊपर हमारी जो विधानसभाएं हैं वो एग्रीमेंट में होनी चाहिए, सपोर्ट में होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। ये थोड़ा सवाल जो है ना, इसका उत्तर कई तरीके से दिया जा सकता है। पहले तो मैं आपको बताऊं, भारत के राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है। मैं इसकी व्याख्या करूंगा अभी, इनका रोल है, फॉर्मली रोल है, लेकिन बाकी और किसी काम में इनका रोल नहीं है। राज्यपाल का कोई रोल नहीं है, न्यायपालिका का कोई रोल नहीं है, लेकिन इनके क्या रोल है ये अभी बताता हूं मैं आपको। मतदाता का क्या कोई रोल है, मतदाता का भी रोल नहीं है। अब मैंने ये तो बता दिया, अब मैं इनकी व्याख्या करता हूं। मतदाता का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि मतदाता खुद जो है संशोधन प्रक्रिया संशोधन नहीं कर रहा है भारतीय संविधान में। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मतदाता ही तो लोकसभा विधानसभा में अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं, वही चुने हुए प्रतिनिधि वही तो जाके संशोधन करते हैं। तो आप कह सकते हैं मतदाता का रोल है इसमें, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का शब्द यूज करूंगा। भारत के राष्ट्रपति कोई भी ऐसा बिल नहीं होता, कोई भी ऐसा संशोधन नहीं होता जब उसको एक्ट बनना होता है या संविधान संशोधन होना होता है, बगैर राष्ट्रपति के स्वीकार किए हुए, उनके हस्ताक्षर किए हुए, वो तो प्रभावी माना ही नहीं जा सकता। भारत के राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है इसमें, लेकिन उनके पास साइन होने जाता है, तो इनडायरेक्ट रूप से इनका रोल है। राज्य की विधानसभाएं
कई ऐसे प्रावधान हैं जिनको चेंज करना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि राज्य विधानमंडल को भी संविधान संशोधन में भागीदारी दी गई है। बहुत से ऐसी धाराएं हैं जिनमें संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में जब 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो उसके बाद वो राज्यों के पास जाता है। राज्य जो है वो कम से कम आधे राज्य, जैसे मैंने आपको बताया था 28 राज्य हमारे पास, कम से कम 14 राज्य जो है उनके जो विधानमंडल है वहां पर भी उनको साधारण बहुमत से सहमति मिलनी चाहिए, तभी ये प्रस्ताव संशोधन कानून का रूप ले सकता है। बहुत बड़ा रोल है आज की विधानसभाओं का, संसद का तो सबसे बड़ा रोल है, संसद से ही शुरुआत होती है, संसद को ही संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। कुछ ऐसे धाराएं हैं जिसमें लोकसभा सिंपल, जिस तरीके से बजट होता है, जिस तरीके सिंपल बिल पास होते हैं, लोकसभा आराम से कर सकती है सिंपल मेजोरिटी से। कई ऐसे हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अलग अलग मेजोरिटी चाहिए, लेकिन ये संसद में ही पास हो जाता है। संसद का बहुत बड़ा रोल है। राज्यपाल, अब ये बताइए जब विधानसभा में कोई चीज पारित होगी वो कब पारित होती है? जब गवर्नर उस पर साइन करते हैं। गवर्नर के साइन के बगैर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गवर्नर का क्या रोल है? कोई भी रोल नहीं है। तो गवर्नर का रोल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फाइनल साइनिंग अथॉरिटी है इसीलिए इनका रोल आ जाता है। न्यायपालिका, न्यायपालिका की संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कोई भी रोल नहीं है, न्यायपालिका का कोई लेना देना नहीं है इससे। जब संविधान संशोधन हो जाता है उसके लिए लोग PIL दाखिल करते हैं कि भाई ये तो संविधान का जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तन या उसको परिवर्तित करने का प्रयास है, तब न्यायालय का रोल आता है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि संविधान का 42वां संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है। इस विवाद के क्या कारण थे? थोड़ा पृष्ठभूमि पे जाता हूं मैं। यह हुआ कब था? 1975 की बात है, और प्रिसाइज बताता हूं, जून 1975 की बात है। भारत वर्ष में इमरजेंसी लागू की गई, तब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इमरजेंसी लागू हो गई, आपातकाल लागू हो गया। इसके बाद 1977 तक करीबन 21 महीने तक ये व्यवस्था चली, आपातकाल जारी रहा। इस दरमियान क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और जितने भी राज्य हैं उसमें मैक्सिमम में मेजॉरिटी में कांग्रेस की सरकार थी, तो इस दरमियान सेंट्रल गवर्नमेंट ने 38वां, 39वां और 42वां ये सारे संशोधन किए, जिसमें 42वें संशोधन तो वाकई में बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का विवादास्पद संशोधन रहा। इसका उत्तर यह आता है कि यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था और आपातकाल की घोषणा अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद का विषय थी। दूसरी बात आती है इसमें, एक तो यह हो गया, संशोधन के कुछ उपबंध वाकई में विवादास्पद थे, यानी जो भी चीज होगी आखिर में संसद करेगी, संसद के ऊपर संशोधन, जो संशोधन करती है उसकी आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आखिरी जो पावर होगी वो संसद के पास होगी। ये गलत हो गया ना? क्यों? न्यायपालिका का कोई रोल नहीं आ रहा था, जो जुडिशियल रिव्यू को खत्म कर दिया गया इस पे। ऐसे कई है, कई चीजें इसमें बनाई गई जो थोड़ी विवादास्पद थी, तो आप क और घ को सही करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की सही व्याख्या नहीं करता है? जरा मैं इस नहीं को हटा दूं, अभी सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। संविधान में अलग अलग तरह की व्याख्या की जाती है, बिल्कुल सही है। जुडिशरी अपनी तरीके से लेती है, संसद अलग अपनी तरीके से लेती है, बिल्कुल, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत हो जाता है। खंडन मंडन, बहस और मतभेद लोकतंत्र के अनिवार्य अंग होते हैं। आपस में डिस्कशन, मतभेद या फिर क्रिटिसिज्म या एक दूसरे की बात सामने रखना, ये तो डेमोक्रेसी में जरूरी है, बिल्कुल सही है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। कुछ नियमों और सिद्धांतों को संविधान में अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिया गया है। कतिपय संशोधनों के लिए संविधान में विशेष बहुमत की व्याख्या की गई, बिल्कुल सही है। संविधान में जो कुछ प्रावधान है वो तो पार्लियामेंट या ये कहें कि जो मेजॉरिटी वाली सरकार है वो तो कभी भी पास कर सकती है, तब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती, ये मामला जो है ये गड़बड़ा रहा है। अगला आता है, न्यायपालिका केवल किसी कानून की संवैधानिकता के बारे में फैसला दे सकती है, बिल्कुल सही बात है। न्यायपालिका का कोई रोल नहीं है कि संविधान संशोधन करे या कोई भी ऐसा काम करे, बिल बनाए, जब वो फैसला हो जाता है उसके बाद न्यायपालिका आती है रोल में। इसमें ये जो पिक्चर चल रही है ना, इसमें न्यायपालिका का रोल बाद में आता है,
हाफ टाइम इंटरवल के बाद आता है। अगर कोई ऐसा फैसला हो गया जो गलत है, उसके लिए लोग जाते हैं कोर्ट में और फिर कोर्ट फैसला देती है कि ये सही है कि गलत है, तो हम ये घ को अब मैं नहीं घटा देता हूं, कौन व्याख्या नहीं करता, तो ये घ सही हो जाएगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सही वाक्यों को चिन्हित करें, गलत वाक्यों को सही भी करें। बुनियादी ढांचा जो कोर है, स्ट्रक्चर है, जिस जो स्ट्रक्चर एक, जैसे अगर आप बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले इसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, बाद में आप ईंटें लगाते हैं, पेंट वेंट करते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसका। ये जो स्ट्रक्चर है ये कहीं भी कुछ लिखा नहीं गया है, संविधान में कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो संविधान में बुनियादी मान्यताओं का खुलासा किया गया है बिल्कुल गलत है, कहीं भी संविधान में लिखा ही नहीं है। संविधान ढांचे को छोड़कर विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही है। बुनियादी ढांचा जो है वो नहीं बिगाड़ना है, बाकी आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं। न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या उसके बाहर रखा जा सकता है, ये भी सही है। यह सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया था, यह भी सही है। इस सिद्धांत से न्यायालय की शक्तियां बढ़ी हैं, सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है। कई चीजें जो होती है ना वो हमेशा बताई नहीं जाती, वो हो जाती हैं। जब 1950 में जब हमारा संविधान आया, आज 70 साल से ऊपर हो गए, कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ कि मूल ढांचा क्या है, लेकिन जो न्यायपालिका ने फैसले दिए, जो कानून बने, जो लोगों ने चीजें इसमें गेन की, एक्सपीरियंस गेन किया, उससे पता चला, उससे दिमाग में आ गया कि मूल ढांचा क्या है। कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ, बस हम लोग ने सीख लिया, सबने जान लिया। अरे इसको मैं सही कर दूं, सारे सही है, इसमें क्यों यह गलत है। 2000-2003 के बीच में सन संविधान में अनेक संशोधन किए गए। इस जानकारी के आधार पर आप निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे, इसकी भी मैं पहले पृष्ठभूमि बताता हूं आपको। 2002 और 2003 इसके दरमियान कांग्रेस की सरकार नहीं थी, यहां पर गठबंधन की सरकार थी, यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स थे उसमें जितने मेजर पार्टी थी उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। गठबंधन की सरकार थी, कोअलिशन की सरकार थी, यानी कि एक तरीके से सभी लोग इन्वॉल्व थे। जब सब लोग इन्वॉल्व हो गए तो जो लोगों की बात है वो भी सुननी पड़ी उन्होंने, उसके हिसाब से संशोधन हुए। इसके अलावा क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व थे तो ऐसा कोई परिवर्तन तो कर नहीं सकते आप, संशोधन तो नहीं कर सकते जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो, कॉन्ट्रोवर्सी जिससे आ जाए, क्योंकि सभी लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब आम सहमति होगी लोगों के बीच में, जो विभिन्न दल हैं उनके बीच में। तो अब आते हैं हम इस पे। इस काल के दौरान किए गए संशोधन में न्यायपालिका ने कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं किया, एक तरीके से सही है इसमें, उसका कारण भी देखिएगा अभी। ये जो है ना, ये इसका कारण भी है। इस काल के दौरान एक राजनीतिक दल के पास विशेष बहुमत था, बिल्कुल गलत है, कोलिशन की सरकार थी, नहीं था। कतिपय संशोधनों के पीछे जनता का दबाव काम कर रहा था, बिल्कुल सही है, जनता, क्योंकि जनता के सारे लोग आ गए थे इसमें, कोलिशन की सरकार थी, बहुत सारी पार्टियां एक साथ आ गई थी, वो उन्होंने सरकार बनाई थी। इस काल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह गया था, यह भी सही है, कोई अंतर रह नहीं गया था, सारे के सारे एक साथ आ गए थे। फिर इसके बाद ये संशोधन विवादास्पद नहीं थे क्योंकि सब लोग ने मिलकर किया था। संशोधनों के विषय में जो अलग अलग राजनीतिक दल थे उनमें सहमति पैदा हो गई थी, तो आप इसको सही कर देंगे। अच्छा, इस काल के दौरान किए गए संशोधन में न्यायपालिका ने कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं किया, इसको हम गलत कर देंगे क्योंकि ये बात इसके साथ नहीं सही बैठ रही है। और इस काल में अलग अलग राजनीतिक दल के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह गया था, इसको मैं गलत कर देता हूं, ऐसा तो नहीं है। हर एक अलग अलग धाराएं, विचारधाराएं तो थी ना लोगों के, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने तो सब मिला के एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बना ली थी, सबके अलग अलग विचार थे। तो अगर इसमें ज्यादा बेहतर मैं समझूंगा तो ग और घ को हम चिन्हित करेंगे। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या कीजिए। संविधान में संशोधन, संविधान एक बहुत बड़ी किताब है, इसमें हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए चीजें दी गई हैं। अगर कोई भी ऐसी सरकार आए और वो आके संशोधन करने लगे, मान लीजिए कोई मेजोरिटी सरकार आ जाए तो क्या हाल हो जाएगा, श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। मेजोरिटी सरकार आएगी, वो अपना धर्म बनाएगी, अपना धर्म फैलाने की कोशिश करेगी और अपनी भाषा फैलाने की कोशिश करेगी, तब क्या होगा। इसीलिए
संविधान में संशोधन, आपको याद है श्रीलंका में कितनी मौतें हुई थी, कितने सिविल वॉर चला था 20 साल से ऊपर, इसलिए संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? संविधान संशोधन हमारा जो है वो लचीला भी है, कठोर भी है। संविधान संशोधन प्रक्रिया को कठिन बनाने के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान रखा गया है। इसका मतलब कि कोई भी आके इसका दुरुपयोग ना कर ले, यानी आके अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया जिससे संशोधन या परिवर्तन या अमेंडमेंट की सुविधा का दुरुपयोग ना किया जा सके। विशेष बहुमत में सबसे पहले जो संशोधन बिल होता है उसके प्रवेश पर सदन की कुल संख्या के बहुमत के सदस्यों द्वारा वह बिल पारित होना चाहिए। कुल संख्या यानी 545 अगर बंदे हैं, इनकी संख्या इतनी है, तो 273 के ऊपर सपोर्टर होने चाहिए इसके, पहली चीज। इसके अलावा जो उपस्थित है वोट करने वाले जो सदन है उसके सदस्यों के का 2/3 बहुमत से बिल पास होना चाहिए। यानी अगर 300 लोग हैं तो उसको आप 2/3 कर दीजिए, कितना बनता है 200। अगर 300 लोग हैं तो कम से कम 200 तो इसके फेवर में होनी चाहिए। इस प्रकार के से संविधान बिल दोनों सदनों में अलग अलग पारित होता है। इसके अलावा ऐसे भी कई बिल हैं, ऐसे कोई संशोधन है जिसमें क्या लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं विधानसभा भी जाता है बिल, और विधानसभा में हमारे पास अभी 28 राज्य है, कम से कम 14 राज्य के विधानमंडल, विधान परिषद, विधान जो पालिकाएं हैं वो जो है अपने एग्रीमेंट देंगी, तभी जाके ये कानून या ये कहें जो संविधान है उसमें संशोधन हो पाएगा। इसीलिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ी। भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे, उदाहरण सहित व्याख्या करें। बिल्कुल सही है ये कि संविधान में जो संशोधन हुए हैं, अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की जो व्याख्या है उसके परिणाम रहे। इस कारण से कि ये गए कि निश्चित विषय पर जो न्यायपालिका है उन्होंने संविधान की व्याख्या करते हुए संसद के अलग से अलग दृष्टिकोण रखा। मतलब जो पार्लियामेंट सोच रही है और जो जुडिशरी सोच रही है ये बिल्कुल अलग अलग थे। पार्लियामेंट ने जो डिसाइड किया, जुडिशरी ने उसको पलट दिया। जब भी किसी विषय पर संसद को न्यायालय का कोई निर्णय राजनीतिक दृष्टि से अनुकूल नहीं लगा, जो भी संविधान में संशोधन किए गए वो खारिज कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए। अगर पार्लियामेंट ने ऐसा काम किया जो जुडिशरी को सही नहीं लगा, निरस्त कर दिए गए। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद को मूल अधिकारों में कटौती करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। इस बात का निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को है कि मूल अधिकार में कटौती हुई है कि नहीं है, मूल अधिकारों में हस्तक्षेप हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी प्रकार एक शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकार के मुकदमे में यह निर्णय दिया गया था कि संविधान में परिवर्तन एक विधायी प्रक्रिया है और संसद द्वारा साधारण विधायी प्रक्रिया के लिए अनुच्छेद 118 के अंतर्गत बनाए गए जो नियम संविधान में संशोधन के विधेयकों के लिए लागू किए जाएंगे, इस सबको संसद ने बाद में बदल दिया। ये सारी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट से। क्या हुआ था कि हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी था। अब जब सरकार आई तो उसको बहुत सारे चेंजेस करने पड़े थे, उस समय हम लोग बस आए थे, इंडिपेंडेंस के बाद हालत जर्जर थी, तो अलग अलग तरीके से जैसे जमीन के से रिलेटेड कुछ ना कुछ कानून बनाने थे। उसके लिए सरकार ने जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसमें परिवर्तन, मतलब इसमें मांगा कि भाई हम परिवर्तन करें। जुडिशरी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप कर ही नहीं सकते, ये राइट, ये मौलिक अधिकार है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया कि ये जो संविधान है उसी में संशोधन कर दिया। उसके बाद टसल चलती रही, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा दोनों के बीच में। फाइनली फिर उसके बाद क्या हुआ कि जुडिशरी ने फिर कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट है या राइट टू प्रॉपर्टी जो भी है एक्ट बताएं या फिर इसको जो व्यवस्था बताएं, ये मौलिक अधिकार में नहीं है। उसके बाद 7 से 6 मौलिक अधिकार हो गए और गवर्नमेंट ने भी फिर हम उनको फ्रीनेस मिल गई कि वो जमीनी तरीके से या फिर जमीन को लेके अपने कानून बना सके। अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 100 शब्दों में व्याख्या करें। इसका मतलब यह है, मैं आपको समझा दूं कि जैसे पार्लियामेंट ने एक संशोधन किया, अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जुडिशरी आई, उसने कहा ना 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 ना, ये तो गलत है, बिल्कुल पलटिए इसको। तो जब पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो अमेंडमेंट कर सके, पार्लियामेंट जनता की प्रतिनिधि है, जुडिशरी कहां से बीच में आ गई, ये क्यों इसको मना कर रही है, सवाल ये है। तो क्या आप सहमत हैं इस चीज से?
आप इस बात से सहमत नहीं है? जो नगर न्यायपालिका है उसको संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, ये आप कहेंगे। हम मानते हैं कि जुडिशरी, क्यों? क्योंकि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये तीनों ही जो है ये डेमोक्रेसी के आधार स्तंभ है। अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर कुछ गलत कर रही है तो जुडिशरी इसमें रोल प्ले करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो हमारे यहां सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्च और पवित्रता की सुरक्षा करता है, इसीलिए संविधान द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है कि देखिए साहब आपका काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा आप करेंगे, जुडिशरी करेगी। जिसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय को संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसकी वैधानिकता, उसकी सत्यता, वो सही है कि नहीं है, कहीं वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय और राज्य सरकारों द्वारा जो अलग अलग विधियां बनाई गई हैं या कानून बनाए जाते हैं उनका पुनर्अवलोकन करने का अधिकार प्रदान करते हैं। यानी यदि संसद या राज्य विधानमंडल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि संविधान का चीरहरण करते हैं, अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं या संविधान के विरुद्ध किसी भी विधि का या कानून का निर्माण करते हैं, तो संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसी जो विधियां बनाई गई हैं, ऐसे जो कानून बनाए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय उनको क्वाश कर सकती है, असंवैधानिक, अवैधानिक घोषित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसी तरीके से संघ सरकार और जो राज्य सरकार है उसके संविधान का अतिक्रमण करने वाले जितने भी कार्यपालिका आदेशों को भी वो अवैध घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने वाला इंटरप्रेटर यानी कि समझने वाला अंतिम न्यायालय है, उसे यह घोषित करना पड़ता है कि किसी स्पेशल, किसी विशेष अनुच्छेद का मतलब क्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की भांति कानून की उचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आधार पर न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग न कर कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ के आधार पर काम करता है। इस दृष्टि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय केवल संवैधानिक आधारों पर ही संसद और विधानमंडल के द्वारा पारित जो कानून है उनको वैध और अवैध बताता है, घोषित करता है। इस दृष्टिकोण से भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थिति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से थोड़ी कमजोर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति के आधार पर संसद का तीसरा सदन नहीं कहा जा सकता। अब हम लेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ, लेकिन यह हम लेंगे अगली बार। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।